Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. This is me Zainab Faisal. Welcome to my next video. So आज मैं बहुत interesting video के साथ आई हूँ. बहुत से लोगों ने बोला था कि video बनाओ saying yes to Rabia for 24 hours. बहुत से लोगों ने बोला था कि Rabia के साथ बनाओ. मैंने आज बनानी तो Rabia के साथ थी, लेकिन Rabia मैडम आज भी यूनिवर्सिटी गई है, इवन दो आज संडे है. आप लोग सोच रहे होंगे यार संडे यूनिवर्सिटी क्या करने गई है यार, इसकी यूनिवर्सिटी वाले ना पागल हैं, संडे को भी क्लास रखते हैं. खैर वो भी यूनिवर्सिटी गई है, सुबह सुबह हो रही थी यार, अभी कोई दो तीन बज रहे होंगे. खैर तो मैंने सोचा Rabia नहीं है तो क्यों ना मैं मामा के साथ बनाऊं और मामा को थोड़ा बेनिफिट दूं. ये नहीं बनाऊंगी कि मामा सेइंग यस टू मी फॉर 24 आवर्स, ये बनाऊंगी सेइंग यस टू माय मॉम फॉर 24 आवर्स. तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बस मुझे डर लग रहा है कि मेरी मामा मुझे कुछ ऐसा काम ना दे दे जो मुझ पर भारी पड़ जाए. मुझे घर आज काफी गंदा नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद मैंने आज ना दिन गंदा पकड़ लिया. खैर लेट्स सी, मामा के पास जाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं. ओके गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ मामा के पास ये बताने के लिए कि मैं आज आपके साथ करूंगी सेइंग यस टू माय मॉम फॉर 24 आवर्स. मतलब मामा को मैंने यस चैलेंज करना. आप हैप्पी हो मामा? मैंने यस करना है कि तुमने? आपने यस नहीं करना, मैंने यस करना है. मतलब हमेशा हर बेटी का फर्ज बनता है कि मामा के साथ करो. ऑब्वियसली मैं आपको तो नहीं कहूंगी कि यस चैलेंज मामा आप मेरे साथ करो या ये करो ये करो, वैसे कभी करवाऊंगी यू नो. कभी मेरा दिल किया तो हाँ ना. आज तो जैनब करेगी तो बड़ा मजा आएगा यार. हर संडे को यस चैलेंज होना चाहिए, हर बेटी मेरे साथ संडे के संडे यस चैलेंज लाजमी करे. तो देखना ये व्लॉग जैनब का सबसे लंबा होगा. ये व्लॉग सबसे लंबा होगा बोला किस सेंस में? कह रही है कि बहुत काम देंगी मुझे मम्मा, थोड़े थोड़े काम देने. चलो जैनब मैं सुबह उठी ना, कल मैं ज्वेलरी भी खोली हुई थी, थक गई थी रात को, मैंने कहा ये सुबह करूंगी. ओह माय गुडनेस, मेड भी नहीं आ जाए, छुट्टी पे है. मैं सोच रही थी क्या करूँ, लेकिन जैनब ने यस करके तो मेरा कहीं मुझे लगता है मुझे भागना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सो मैंने कुछ गलत दिन पकड़ लिया. आज बहुत ज्यादा गंदा घर में और मुझे लग रहा है मम्मा मुझसे सेटिस्फाई करवाने वाली, लेकिन कोई बात नहीं, गेस्ट चैलेंज है. जो मेन चीजें बस जो जैनब कर सकती है करवा भी लोगे तो कोई बात नहीं होती. मैं पावरफुल लड़की हूँ ठीक है, और मेरा फर्ज बनता है गेस्ट चैलेंज के साथ. अच्छा सबसे पहले मैं स्टार्ट वैसे नाश्ते से कर सकती हूँ, कहती हूँ तो नाश्ता मैं बना देती हूँ, बाकी आज ज्यादा काम बताओ क्या. आप बताओ ना, मेरा काम बस यस कहना है. आप कहोगी नाश्ता बनाओ अपना खुद का, इतनी अब वो भी नहीं ना हो सकती जैनब से ही सारा कुछ कराई जो आपका चैलेंज है. आप फायदा उठाओ, रोज तो आप मेरे लिए नाश्ता बनाते हो, फायदा उठाओ. चलो ठीक है, फिर स्टार्ट नाश्ते से करते हैं. जैनब सबसे पहले नाश्ता बनाएगी. आज चैलेंज है मेरा नाश्ता पहले बनाना. ओके यस यस यस, कॉफी. हाँ ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था. चलो मामा के लिए कॉफी बनाते हैं और साथ अपने लिए ब्रेड ना बनाऊंगी, वो मुझे पराठा नहीं बनाना आता अक्सर. मैं रोज थोड़ा मोटा काम समेट ले, तू तेरे करने वाले बाकी सारे फिर जाए. ठीक है ये सारा आप समेट दे, बाद में आगे मैं कर दूं. सबसे मेन काम है ज्वेलरी सेट करना, यकीन करो ज्वेलरी देख के मेरा दिमाग. ठीक है मम्मा, फिक्र नहीं आपने करनी. राजो मैंने हर चीज सीक्वेंस से जुड़ी हो, हर ज्वेलरी थोड़ी थोड़ी सेट करके सेट अलग. मम्मी आपने फिक्र नहीं करनी, अभी मैं जा रही हूँ अपना किचन में नाश्ता बनाने के लिए, देखते हैं कैसा कचरा बनाती हूँ, वैसे अच्छा ही बनाती हूँ. सुबह से शाम तक हाँ 24 hours मामा. ओके गाइस, तो मैंने मामा को तो बता दिया. हीरू खड़ी हुई है, इससे थोड़ी बहुत हेल्प मांगते हैं. हेलो हीरू, मैं आज भला क्या कर रही हूँ? मामा के साथ कर रही हूँ सेइंग यस टू माय मॉम फॉर 24 hours. कैन यू कॉल मुझे क्यों बता रही है? तो मैं बताने आई हूँ आपको कि क्या मेरी सी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ. क्यों भाई, यस चैलेंज मेरे साथ करती हो तो मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ वीडियो में. यार ब्रो मैं मामा के साथ कर रही हूँ ना, तो हक मामा का बनता है. वो तो सिर्फ मैं मदद के लिए बुलवा रही हूँ थोड़ी. हेलो मम्मा ने भी बोला है ब्लैक कॉफी, काली कॉफी बना दो, वो बनानी है, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बना. एक काम करो काली कॉफी आप बना दो. तुम्हारा जब मैंने किया था ना तो सारे काम मैंने किए थे. चल चल हीरा नहीं हेल्प करेगी, तेरा है ना तो तू ही करेगी यस चैलेंज. मैं हीरा के साथ हूँ, मैं सब यस चैलेंज करवाए, सब बहनों के साथ भी यस चैलेंज. मैं आपके साथ नेक्स्ट संडे करूंगी पक्का. है ना इसने बोला मैं संडे को आपके साथ यस चैलेंज. इस नेक्स्ट संडे को हीरा के साथ और उसके नेक्स्ट मामा के साथ. जैनब का सिर्फ कॉन्टेंट होना चाहिए यस चैलेंज. जैनब यकीन करो बड़ा मजा आएगा और हर काम तुझे जिंदगी में आ जाएगा, जिंदगी तुम्हारी इतनी आसान हो जाएगी. बस एक बार बताओ बैंक में पैसे हैं? बिल्कुल लाखों करोड़. यस चैलेंज मेरे साथ है तुम्हारा. मैंने ना घर वाला कहा शॉपिंग वूपिंग वाला नहीं, मैंने आपको बोल तो यस फिर आज जब अपना यस करना होता कहां कहां लेके जाती है. तो मैं बता रही हूं बड़ी लड़की वाला ने हीरा ने इसे काम सिखाने, इसको अकल में सिखानी है, सिर्फ काम नहीं सिखाने. अच्छा यार ठीक है ठीक है ठीक है, पैसे अपना कार्ड पकड़ लूंगी, मेरा कार्ड नहीं हुआ हुआ मम्मा का पकड़ लूंगी, मम्मा का भी नहीं है. जिसका मर्जी पद में तुम जवाब दे. शॉपिंग वाला थोड़ी बड़ी हो रही है तो फिर मैं शॉपिंग करवाऊंगी, कमाता भी कमाता हूं बच्चा. वो नहीं आपने मामा के सामने वाला. ओके गाइस, तो मैंने मामा की कॉफी के लिए काला पानी
गाइस ये झूठ बोल रही है, मैंने रखा है अभी, मैंने रखा है और मैं यहाँ अपनी चाय बना रही हूँ, मम्मा की कॉफी बना रही हूँ और आके ना कैमरा ऑन कर गाइस ये मैंने रखी है। ये तो ना गर्म व्लॉग बना रही हूँ, ये हक नहीं बनता आपका। गाइस मैंने पानी रख दिया आज, मैं सबको लग रही होंगी बाबा बनी है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। अच्छा खैर गाइस ये हीरा आपी ने पानी रख दिया, बाकी सब मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कि काली कॉफी नहीं, पहले क्यों कहा था गाइस मैंने पानी रख दिया। ओके गाइस तो मैंने व्हाइट पानी रख दिया, आगे गाइस तो मैंने पानी रख दिया, मतलब मैंने पहले बोला था रख दे लेकिन वो हीरापी ने रखा था एक्चुअली वाला हीरापी, आपने बोला नहीं है। अब कॉफी डालो बॉईल हो, मैं डालूंगी ना, ये कॉफी है ज़ैनब, चाय है पत्ती है, मैं कॉफी डालूंगी और आपको बताऊंगी ब्लैक कॉफी कैसे बनती है। चलो मैंने पानी डाल दिया, मेरी मेमोरी का इशू आ गया था और मम्मा मुझे बाहर आवाजें दे रही है कि मम्मा ला रही हूँ, सबर करो, पानी रखा हुआ है, अभी हमने काला कॉफी, अभी हम लोगों ने ब्लैक कॉफी डालनी है अंदर, तो लेट्स गो जल्दी से ब्लैक कॉफी डालते हैं। हीरा भी आपको अपने काम करने को कहा है, मैंने बोले मेरा कैमरा पकड़ो ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं मैं कैसे बना रही हूं, आप अपनी चाय बनाने लगी हो। चंगा है ना, मैं अपने काम ना करूं तुम्हारे। जी हाँ बहुत चंगी हो ना, जल्दी से यार कैमरा पकड़ो, मैंने लोगों को दिखाना है गाइस कि हम कैसे बनाते हैं, ये होती है ना कॉफी। तो अब हम लोगों ने इसको डालना है 1 स्पून चम्मच, ठीक है, गर्म पानी हो चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे एक इतना घी हमने डाल दिया अंदर, as you guys can see। अच्छा मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको देख ही सकते हैं आप लोग गाइस, अब चूल्हा दोबारा चला दो, नहीं बस बन गई। हाँ ये होती है ब्लैक कॉफी, तो अंदर इसमें मामा शक्कर डालती है। अच्छा लेकिन आप लोग प्लेन भी पी सकते हो, शक्कर लेके जाओ मामा के पास, हसबे जायका डाल लेंगी और दैट्स इट। हसबे जायका अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ओ माय गुडनेस, हसबे जायका, और आपी ने उर्दू कहां से सीखी है इतनी यार, हस्बैंड जायका, मुझे लेते नहीं लगा आपने बोले हस्बैंड जायका। ओके तो मम्मा की चाय हम लोग ऐसे डालेंगे, यार इट स्मेल्स सो गंदा, ये हमने ऐसे करके डाला, अब मम्मा को हम लोग ऐसे करके पकड़ाते हैं, मम्मा को हीरापी के शक्कर भी देनी है, ये कह रही है हाँ 1/3 स्पून शक्कर डालो, शक्कर कौन सी होती है, मतलब आई नो शक्कर क्या होती है यार, गाइस मुझे शक्कर का पता है क्या होती है, इसको देखे ना मेरे हाथ में खारिश होती है जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मेरा ये हाथ ऐसे उठ जाता है, शक्कर क्या होती है, शक्कर क्या होती है, मुझे पता है शक्कर कुछ डाल दे, शक्कर मुझे शक्कर ये नहीं, शक्कर ये देखो ये नमक मिर्च मसाला, यार मैंने नहीं गिराया खुद गिराया, एक्चुअली मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, एक्चुअली मैं कुछ भी इस दुनिया में खुद से नहीं, वही नहीं करता खुद से होता है। ये खोलो वो आधा टीस्पून डालो, अपनी चाय में ना डालना, मम्मा की उसमें डालना है, आधा टीस्पून डालते ही रापी ने पथोला भर के उसमें दे दिया, अब होपफुली मम्मा को ही पसंद आए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह टेस्ट करके देखती हूँ पसंद आए। जितनी गाइस का पैसा के जितनी गरम गरम डालोगे ना उतनी पिक्चर पूरी फुल होती है, मतलब ये बहुत अच्छा आ रही है फातिमा की। मम्मा इसको रेट करो 10 में से, जल्दी 10 में से कितने हैं? 10/10 लेट्स गो, अब मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। ओके गाइस तो मैं ब्रेड ले आ चुकी हूँ और अंडा भी ले आ चुकी हूँ क्योंकि मैं पराठा बना नहीं सकती हूँ, तो यू नो मैं ब्रेड अंडा ही बनाऊंगी। सबसे पहले हम लोगों को लेना है तवा, तवा ही कहते हैं इसको हम लोग देसी जुबान में, तवा ही कहते हैं, और इसको हम चूल्हा चला देंगे पूरा, चल गया ना चूल्हा, बस चूल्हा चला के इसको हल्की आंच में हम लोग रख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अंडा बनाएंगे अंडा। अच्छा गाइस मैं आज आप लोगों को ना अंडे की एक रेसिपी बताती हूँ जो लाइक ये है कि वो नहीं होता बाउल में रखकर वो अंडे को मिक्स करते हैं, आप लोगों को शायद पता हो, जो मामा को शायद आप लोग ही बताओ, बच्चों को ना पता हो, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये जल्दी से बनाते हैं। अच्छा गाइस मैं इसकी बात कर रही थी कि ऐसे बाउल रख के अंदर आप लोग अंडा डालना, अंडा आप लोग डाल के ना मिक्स करना और साथ ना देसी घी भी डालना ताकि वो मजा, थोड़ा चलाएंगे चूल्हा इसका हल्की आंच में, बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच में हम लोगों ने चला दिया ऐसे करके। अब इसको हम गरम थोड़ा होने देंगे, उसके बाद हम पकड़ेंगे एक अदद अंडा, जब तक ये बन रहा है तब तक हम अंडा बनाएंगे, इसको तोड़कर डालेंगे अंदर, बाद देसी घी भी डालेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेस बाय प्रोसेस। ओके तो मैं आप लोग को बताती हूँ मम्मा मैं वो वाला अंडा की रेसिपी बताई ऐसे करके, इसके हमने साथ बाजी ये ऐसे पकड़ते भी हैं इसको ऐसे, मेरा नहीं आपका यस चल रहा है, और साथ साथ देखो हिलाते रहना आप लोग, मजे का बनता है, इतना मजे का बनता है खाएगा जो एक दफा याद करेगा, इतना दिखाना था लोगों को। ये देखो बस आपने ऐसे करके इसको ना मिक्स करते रहना क्योंकि ये ना चिपकने वाला हो जाता है, चिपकता है ये साथ, इसको बस आपने हिलाते रहना ताकि चिपके ना, मैंने ऑयल डाल दिया एंड पे जाके आप लोग वो डालना मसाला, देसी घी डालते हैं, देसी घी मैंने डाल दिया अंदर, मिर्च मसाला बाद में डाल देते हैं, अभी जब पूरा बन जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, इसके
ओके तो ये नाश्ता मेरा बन चुका है। हम लोगों ने डालना है नमक और काली मिर्च। हम लोग थोड़ी ऊपर करते हैं, मम्मा की थोड़ी सी बस हेल्प ले रही हूँ मैं, ये ना समझेगा पूरी हेल्प ले रही हूँ सब कुछ, जैसे मैं खुद ही बना रही हूँ ऐसे करके। नमक डाल दिया मैंने, नाश्ता तो ऐसे पहले भी अच्छा बना, ये हो गई चीज, नमक भी थोड़ा और डाल देते हैं। जब मेरा कमरा साफ करोगी ना फिर मैं जैनब को, फिर मम्मा की खुशियाँ देखना हवा पे चढ़ी सेट करेगी जैनब। ओके मम्मी बेस्ट मम्मी, अब नाश्ता करो फिर अगला काम। ओके अब जल्दी से नाश्ता करती हूँ, चाय वगैरह पकड़ती हूँ, फिर बाद में यस चैलेंज। उनको भी वैसे यस चैलेंज अब दूंगी कि वो भी ऐसे ही करे। उनको क्या, उनका काम मत है कि आपको दे, ऐसे थोड़ी होता है। चलो खैर जल्दी से नाश्ता करती हूँ, बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़े। आज बड़ा मजा आया, खुद नाश्ता बनाया। भी बताने लगी कि मैं मम्मी के साथ कर रही हूँ यस चैलेंज। तो अगर यस चैलेंज कर रही हो तो मेरे लिए एक कप चाय भी बना दो ब्रो। ब्रो व्हाट इज ब्रो, मैं तो नहीं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, मामा और मेरा चैलेंज है, तुम कहाँ से आई बीच में। तो बहन को चाय बना करके देना यस चैलेंज में ही आता है। बहन की नहीं, मैंने व्लॉग का जो है वो है सेइंग यस टू माय मॉम फॉर 24 आवर्स, सेइंग यस टू एग फॉर 5 मिनट का व्लॉग बना कर 24 आवर्स लगा देगी। 10 मिनट का बन चुका व्लॉग बनाएगी और लिख देगी 24 आवर्स। रात तक तो नहीं ना, रात तक सोना भी 24 आवर से मतलब पता है, रात को सोना वोना होता है थोड़े से ही घंटे ना। इसलिए अभी मम्मा का मैंने सफाई भी करनी है, तो क्या कुछ करवाना तो तुम नहीं करवा सकती। चाय बना दो तुम मेरे लिए। ओके यार फातिमा क्या याद करेगी कि इसको भी मैं चाय बना देती हूँ, बेशक मामा का जेल था पर लाइक कोई बात नहीं, फाइन मैं फातिमा के लिए भी बना देती हूँ, एंजॉय करो। मेरे पैर पे रेड कलर की नेल पॉलिश चपड़ी, तुम्हारे पांव चिट्टे लग रहे हैं। सारा चैलेंज तुम्हें करना बनते है क्योंकि फाजो काम मेरे है ना वो तुम करोगी। अच्छा मम्मा अगर आप परमिशन दोगी तो ही मैं करूंगी। इसको चाय बना दो मैं जरा, और मेरा कमरा अच्छे से साफ करना। अच्छा तो मैं फातिमा जादू के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। ओके ओके गाइस, तो मैंने दूध डाल दिया। तुमने अपनी मर्जी से बना के अच्छी सी देनी क्योंकि मैं चाय मजे की। ठीक है पत्ती दो जल्दी से, आज लोगों ने कहना है किचन में गेस्ट चैलेंज हो। मम्मी का था ना कहाँ है पत्ती, ये पत्ती होती है टिप्पल की पत्ती डाल दे मामा। मैं पत्ती डाल जाती हूँ एक्चुअली, मेरा काम है सिर्फ कैमरा पकड़ना है, फातिमा को तो नहीं लेने भी नहीं। पत्ती नहीं नहीं ये बना, खुद खड़ी होना, पकाना है, शक्कर डालनी है, मैं जा रही हूँ, मुझे बड़े काम है यार। मम्मा बड़ी चलाक होती जा रही है, मम्मा मुझे यूज कर रही है यार। अच्छा इसको हम लोगों ने यूज करके लाना है, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू मेक चाय बट इट्स फाइन। ओके गाइस तो चाय बन चुकी है, फातिमा को हम लोग देने जाते हैं। फातिमा आपके लिए चाय, बेटा आपके लिए नाश्ता तैयार है, कैसी है नाश्ता तैयार है सर। ये भी बोल पैन केक लेके आए, एस्ट्रोलॉजी फॉर्म 80 आसी आसी भी नाम होता है। थैंक यू सो मच। ओके फातिमा के लिए चाय बना दिया, मम्मी का काम करते हैं। यू गेट लॉस्ट यू दैट लिटिल बिट दैट शुशु। चले मम्मी आ जाओ, मैं व्हाट यू नीड। रात भी डाल चुकी थी सारा गंदा, मुझे ना देख के इसका क्या करूंगी मैं। तुम्हारा काम एक मेरा कमरा सेट कर, चाहे लगे घंटा चाहे लगे दो घंटे लेकिन तुमने कर देना। ओके मम्मा ओके डन हो गया। अच्छा पर्सनल बात है आपकी के ज़ैनब बहुत अच्छा सेट, बड़ी अच्छी सेटिंग बस देख ले यार, आई एम सो गुड सेटिंग का यार इम्तिहान है। ओके अच्छा तो हम लोगों ने सेट करने करना क्या ये तो बताओ। ज्वेलरी सारी मेरे दराजों में सेट करके ये हाँ। नीचे पड़ी हुई है सारी, ठीक है अलग अलग इसको दराजों में रखना है, दराजों में एक बॉक्सों में। अब अपना टैलेंट यूज करना ना कि किस तरह मुझे सरप्राइज देती हो। ओके बस हम सबसे पहले करेंगे ये सेट, गंद बुलाए निकाल देना ठीक है। मैं मुझ पर छोड़ के जा रही है गाइस, लेट्स गो, इंशाल्लाह मैं कर सकूं। बस हम सबसे पहले भैया मैं पागल हो गया, मेरा सर दर्द हो रहा है। ओके गाइस मैं कचरा डाल के तो बैठ लगी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या कर टू डू। अरे मैंने ना ये डब्बे बना के वैसे रख लिए हैं, जैसे इसमें मैंने रखा हुआ है ये। अब मैं आपको ना ड्रॉर दिखाती हूँ एक मिनट, ये खाली ड्रॉर है, इसमें हम लोग ना ये वाला सामान उठा के यहाँ बारी बारी करके रखते हैं। ओके तो हम लोग सबसे पहले ये रखेंगे यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल ठीक है, इसको अलग करके। अब उसके बाद हम लोग उन्हें रखने हैं ये दो बॉक्सेस, तो ये इन दो बॉक्सेस को पकड़ते हैं और हम वो यहाँ पे रखते हैं। दूसरा एक ये भी है वैसे, इसको भी रख देते हैं हम लोग ऐसे करके, इसको भी मैंने बनाया हुआ था, इसको हम ना इसके ऊपर रखते हैं। अच्छा ये ड्रॉर हो चुका है कंप्लीट, सबसे पहले हम पकड़ते हैं इसको यहाँ रखते हैं। गाइस गलत काम हो गया, मैंने ना गलत रखा है, सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा हम लोगों को। एंड देन यार इतना कचरा क्यों, इसको सबसे पहले हमें रखना होगा यूं करके, या यूं करके भी नहीं, यूं करके रखते हैं। उसके ऊपर हम रखते हैं ये, उसके ऊपर हम रखते हैं ये,
ये पूरा ड्रॉल हो चुका है रेडी। इसको भी मैंने मुशक्तों के साथ पूरा कर लिया हुआ ड्रॉल रेडी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, घंटा लगा के पूरा मैं बैठी हुई करने में, मुझे सांस इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है। ये ड्रॉल हो गया रेडी, मम्मा को अब सरप्राइज दूंगी। ये ड्रॉल हो गया रेडी, चौथा ड्रॉल भी मैंने किया ही है। कपड़े वगैरह इससे रखे हुए क्योंकि ज्वेलरी के नीचे कपड़े ऑब्वियसली, बाकी ये कचरा कुंडी निकला बीच में से। ये जो है ना ये सारा नहीं चाहिए, मतलब किसी को मम्मा ने देना होगा शायद इसलिए, लेकिन ये वाला सामान नहीं चाहिए तो अब मम्मा को सरप्राइज। लेकिन ये भी सफाई करती हूँ मैं, इसकी भी सफाई करती हूँ। ओके, तो मम्मा ने मुझसे एक्सपेक्ट तो थोड़ा कम किया हुआ है कि सिर्फ ड्रॉर का हुआ, लेकिन ये सारा भी तो ऑब्वियसली मम्मा फिर तकलीफ होगी। मम्मा तकलीफ में क्या, मतलब क्या उनको चोट लगी है? खैर मतलब मम्मा थकी हुई होंगी और कहेंगी लो जी कमरा साफ नहीं किया, ऐसे वो करके चली गई। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे रूम का बिफोर आफ्टर लेते हैं, आप लोग सारा देख लो, मैं बाद में सारा साफ करूंगी। ये है आफ्टर का तुरु। आप लोग कैसे हो गाइस, कैन सी मैंने झाड़ू भी फेरी है तुरु, और मैंने बेड भी सारा साफ किया। आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लैंकेट को यूं बिछाया, साइड टेबल्स भी सारे साफ किए, ये वाला एरिया भी ऐसे ही था पहले भी। लेकिन खैर मुझे इतनी मेहनत लगी है, मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ। मैं सोची थी पहले टाइम लैप्स सुना लूँ, लेकिन कैमरा रखने की जगह नहीं मिल रही थी और मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, इवन बहनों को भी नहीं, वो अब बाहर काम करिए। खैर मामा को अब अंदर कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं मम्मी अपना रूम टूर ले लो, रुक जाओ मैं 0.5 के एंगल से दिखाती हूँ, अपने आप को भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है? देखो मैं तो गंदीली बनकर ही खड़ी हुई हूँ, अभी मेरी फ्रेंड ने भी आना है। खैर वो तो आ रही है, हमने ऐसे इंजॉय करना है। खैर मामा को अब मैं मिलवाती हूँ, मामा को कमरा दिखाते हैं। अब मामा को हमने अंदर बुलाना है, तो इसको थोड़ा प्यारा सा सेट करके, ए गिरना नहीं है, ऐसे पड़े रहो, ठीक है? आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, जल्दी आओ अंदर, आओ अंदर। कर दी ज्वेलरी जोड़ दी, देखो पूरा कमरा साफ किया यार मैंने, लुक एट दिस, जस्ट लुकिंग वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मेरे वो तवक्को से भी ज्यादा साफ कर दिया, वाह जी वाह। मैंने तो सिर्फ ज्वेलरी कहा था यार। मम्मा देखो ज्वेलरी तो मैंने कर दी, और ड्रॉर तो देखो आके, वो भी नहीं मैंने दिखाया, ये पहला ड्रॉर देखो, और जो सारा एक्स्ट्रा काचू कूड़ा वो बाहर निकाल दिया, वो नहीं ना लाओ था यार ये ड्रॉर। सेकेंड, थर्ड, बाकी ड्रॉर में कपड़े हैं। वाह जी वाह, मैंने यस चैलेंज मम्मा के साथ रोज करने, ऑफ कैमरा करने, वो आपको थोड़ी बताऊंगी। लेकिन मम्मा से मैंने प्रॉमिस किया कि हर संडे के संडे उनके साथ मैंने चैलेंज करना, अब नेक्स्ट संडे हीरा आपी के साथ करूंगी यस चैलेंज, जो कि वो मेरे बहुत पैसे लगवाने वाली है। कमाता पीता बच्चा हो तो कोई बात नहीं, लगता होता मुझे तो ये चैलेंज बड़ा अच्छा लगा। बस देखो, लव यू ज़ेन, लव यू टू, मजा आ गया, आ गया ना मजा। गाइस आप लोग भी अपनी मामा के साथ ये चैलेंज किया करो, इतना खुशी हुई है, मेरा दिल नहीं कर रहा ज़ेनब को और काम करने, लेकिन करवा सकती हूँ। दिमाग में काम आए तो बता देना, नहीं तो फिर तकनीक, अब थोड़ी रेस्ट कर लो, थक गई हूं, चलो थोड़ा मेरा रेस्ट करने के बारी है। अब कोई मम्मा के दिमाग में काम आया लगे ना, आया तो मैं काम करूंगी, नहीं तो फिर बाय। ओके गाइस, तो मैंने मामा का यस चैलेंज वगैरह सब कुछ कर लिया, मेरी दोस्त भी आ चुकी है। हेलो कैसी हो, ठीक ठाक हो? मैंने आज कर रही हूँ मामा के साथ चैलेंज, यस चैलेंज, मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारा आधा कर ही लिया हुआ है, अब आधा रहता है। मामा के पास जाती हूँ कि कोई और काम वाम तो नहीं है, मम्मी कुछ काम वाम तो नहीं कर रहे, मैं ब्लॉग एंड कर लूं तो हो गई है, बस एक काम रह गया कि सिर्फ मुझे विंग्स फ्राई कर दो, वो मैंने पता था मुझे मम्मा कुछ ना कुछ काम वगैरह मुझे कहीं फिर एंड। अच्छा मैं अपनी दोस्त की तो हेल्प ले सकती हूँ ना, क्योंकि इसे भी खिलाना ना, इसलिए कह रही हूं। हमने वैसे अभी बाहर से कुछ ऑर्डर वगैरह किया हुआ है, वो वगैरह हम खा लेंगे, लेकिन विंग्स में तुम बनाने में मेरी हेल्प करोगे। ओके अम्मा यार पेट में जगह नहीं रहती, खुद ही फ्राई करो और खुद ही खिलाओ, ठीक है? ओके ओके ठीक है, आ जाओ। ओके तो हम लोग जो है विंग तवा शवा रेडी है, हम लोग विंग्स जो है ना वो तैयार करने लगे हैं। यू रेडी मॉम? ओके तो यू रेडी? रेडी। ओके गाइस तो ये बन रहे हैं, हाफ अभी रेडी हो चुके हैं, हाफ हो जाएंगे, तो इसके ऊपर सारा का सारा मैं ऑयल गिरा दूँ। मैं अभी स्नैपचैट पे बना रही हूँ, बिकॉज मेरी मेमोरी का इशू आ रहा है और ये जल जाने, तब तक मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ, कुछ डिलीट भी नहीं हो पा। तो ये जब पूरे रेडी हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में डालते हुए। तो ये आधे मेरे बन चुके हैं और मुझे डर लग रहा है कि कुछ जल वल ना जाए, जल्दी जल्दी से हम लोग निकालते हैं। जी मेरी दोस्त निकालने लगे, निकालो ध्यान से, अच्छा अच्छा निकालो निकालो प्यारे तरीके से, पंछी बनो उड़ती फिर अच्छे मगन से, मस्त निकाला नहीं आता। खैर हमारा कितना अच्छा चल रहा है, मजो आ गया मजो, जल्दी जल्दी सारे सारे निकालो, मम्मा बैठे कमरे में उनके पास आके लेके जाते हैं। कोई बात नहीं यार, हेल्प चल तो चलती रहती है। ओके तो मम्मी पास लेकर जाते हैं, तुरुरुरुरु, सो यमी यार,
सो यमी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ फातिमा टेस्ट वाओ इतने मजे के इतने यम लुकिंग लाइक अ टेस्टी तो देख लो ज़ैनब फैसला आज का यस चैलेंज का है ज़ैनब ने आज कमाल कर दिया बस लोग कितने यमी है क्योंकि मेरे हाथ से बने हैं ना इसलिए अब भाई दो से तो नहीं बनाए वो खूब हंस रही है वो क्योंकि हां मैंने तो ऐसे हेल्प की है उसने भी खाया है हां जी बहुत यमी लग रही है वही ना चलो ओके यही मैं आपके दिल तक से ज़ैनब फातिमा हां मैं तो बस डन फातिमा मेरा यस सेल करेगी पैसे वाला करेगी घर वाला नहीं मुझे चाहिए क्योंकि बहुत सुस्त है अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ओके तो तब तक के लिए नेक्स्ट संडे को मैं हिरापी के साथ संडे यस सेल मनाऊंगी ज्यादा लाइक बनता है यार ओके लव यू बाय बाय